मैं अपने पिताजी की पहली संतान हूँ। मैंने एक ऐसे समय में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था जब मेरे पिताजी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। हम पिछड़ी औरतों के बारे में तो क्या ही कहें, लेकिन एक ब्राह्मण समाज की औरत भी उस समय में ऐसी उपाधि और ऐसी चीज़ सीखकर समाज में उन्होंने इतना ज्ञान दिया और इतना काम किया, एक बहुत ही बड़ा काम था कि जो जातियाँ पिछड़ी हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएँ हैं, दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, क्या उनका योगदान रहेगा भारत के पार्लियामेंट में? कि जगत बनेगा, समाज बनेगा तो व्यक्ति बने, और व्यक्ति में हम अगर ये देखें तो वो इंसान बनेगा, वो पुरुष और महिला नहीं बनेगा। आप सभी को नमस्कार। बहुत ही कम अनुभव है मेरे पास, और आप सब जितने भी यहाँ वक्ता हैं उनमें सबसे छोटी उम्र की हूँ। अभी जैसे कि सब लोगों ने यहाँ पर पंडिता रमाबाई जी के बारे में बताया, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की मैंने पढ़ाई करी है, उसमें छोटा सा हिस्सा हिस्ट्री का भी होता है। संस्कृत मैंने नहीं पढ़ी। संस्कृत की एक बहुत ही विख्यात गुरु मानी गई हैं पंडिता रमाबाई जी, जिन्होंने उस समय में ऐसा ज्ञान प्राप्त किया था। पर ये सच्चाई है कि इतिहास से ऐसे लोगों को मिटाया जा रहा है, और ये आज इस समय की मांग है कि हम लोगों को इस पे विचार करना चाहिए कि किस तरह हम अपने पुराने भूले बिसरे लोगों को फिर से याद कर सकें। कुछ 3-4 दिन रोज़ पहले मुझे सुनील दादा का फ़ोन आया कि हम इस तरह ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आपको उसमें शिरकत करनी है। मुझे लगा मैं छोटी हूँ, बेशक आप सबके बेटी के उम्र की हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, तो ठीक है मैं यहाँ आऊँगी। और यहाँ पर बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, उनके द्वारा सुनी हुई बातें सुनूँगी पंडिता रमाबाई के बारे में और जान सकूंगी। तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन उसी रात उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पोस्टर भेजा, और उन्होंने देखा कि मैंने देखा कि उन्होंने मुझे वक्ता में डाल दिया है। तो मुझे लगा कि ज्ञान वहाँ पे बांटना है और बटोरना भी है, लेना भी है, और अधूरा ज्ञान ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने अपना जितनी नॉलेज मुझे थी, फिर मैंने अपने पिताजी से बैठकर इस बारे में चर्चा करी कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम में जाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें बताई, जान के बड़ा अच्छा लगा। और जितनी चीज़ें मैं बटोर पाई, पहले तो मैं आज यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करती हूँ, और जो यहाँ पर आयोजन किया गया है उनको बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इस तरह का आयोजन आपने किया, जिससे आने वाली जनरेशन को भी उनकी स्मृति और उनके किए हुए कामों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और अब यहाँ पर मैं चाहूँगी कि जो कुछ भी मैं बटोर पाई हूँ रमाबाई जी के बारे में, पहले मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। रमाबाई जी ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, जैसे हम जानते हैं छोटी उम्र में माँ बाप खोए। भाई के साथ अलग अलग देश के हिस्सों में जाके उन्होंने काम किया, पढ़ाई करी, छोटी उम्र में ही शादी करी और छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। हम अगर इतिहास में देखें जो औरतों की हालत रही है हमारे देश में, ऐसे समय में एक ऐसे पिता की बेटी होना जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि वो आगे बढ़े, पढ़े, संस्कृत में अपनी एजुकेशन को और इम्प्रूव करे, वो ब्राह्मण समाज से आती थी। हम पिछड़ी औरतों के बारे में तो क्या ही कहें, लेकिन एक ब्राह्मण समाज की औरत भी उस समय में ऐसी उपाधि और ऐसी चीज़ सीखकर समाज में उन्होंने इतना ज्ञान दिया और इतना काम किया, एक बहुत ही बड़ा काम था वो। पेट्रियार्कल सोच जिसके हम सब यहाँ पर शिकार हैं, हम देखते हैं कि औरतों को पीछे रखा जाता है, औरतों को आगे नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? ये देश वैसे भी गुलाम रहा है, पर गुलाम इसीलिए रहा है क्योंकि हमने अपने घर की औरतों को
हमारी माँ को, हमारी बहन को, हमारी बेटियों को गुलाम बना के रखा है। हमको अगर शुरुआत करनी है तो अपने घर से करनी होगी। छोटी उम्र में शादी, छोटी उम्र में विधवा होना, पूरे देश में घूमना, देश ही नहीं बल्कि विदेश में जाके इस चीज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना, ये उस समय में बहुत ही कम देखा जाता था। लेकिन पंडिता रामाबाई जी ने ये काम किया और ये हमारे समाज में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ है जिसको देखकर मैं चाहूंगी कि हमारे उम्र के और हमारे साथ के लोग ये देखकर इंस्पायर हो और आगे बढ़कर और अपने बच्चों को और अपने आसपास अगर इस तरह की चीजें देखते हैं उसको ना होने दें। उन्होंने अंतर जातीय विवाह करा था। आज भी मैं जिस समाज से आती हूँ या ऊंचे समाज से आने वाले लोग, वहां पर अंतर जातीय विवाह एक्सेप्टेबल नहीं है। इस युग में भी उन्होंने उस युग में ऐसा कदम उठाया, एक ब्राह्मण महिला ने शूद्र से शादी रचाई, कलकत्ता में रही वो। ये उस समय की बात है जहां पर हम देखते थे, जहां पर औरतों को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था अगर वो ऐसा काम करती थी तो, आदमियों का भी, औरतों का तो छोड़िए, आदमियों का भी कर दिया जाता था, उनको भी ऐसी अनुमति नहीं थी। ऐसे कदम उठाने वाली महिला, आज हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम उनको याद करें, उनके बारे में बात करें, हमें इस चीज पर गर्व महसूस होना चाहिए। अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान उन्होंने जो ताई ने भी जिक्र किया और पहले भी वक्ताओं ने जिक्र किया था, जो किताब लिखी थी, जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन, मैं ज़रूर उसको पढ़ना चाहूँगी, मैंने पढ़ी नहीं है, पर उस समय पर उन्होंने उस किताब में ये व्याख्यान किया था कि हिंदू महिलाओं होने के बुरे परिणामों की बात करी थी कि किस तरह एक हिंदू महिला होना एक अभिशाप भी है। उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, वो कोई भी धर्म अपना सकती थी लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया क्योंकि खुली सोच की वजह से। आज हम देखते हैं हिंदुस्तान में भी जगह जगह ईसाई धर्म को अपनाया जा रहा है, इसीलिए नहीं कि वो धर्म एक ओपन माइंड और एक एजुकेशन सिस्टम, कास्ट इरेडिकेशन, इन सब की बातें करते, इसीलिए नहीं, क्योंकि उस समाज में एक ऐसी सोच है, जो एक ऐसे लोग हैं जो समाज को एक करना चाहते हैं, ऊंची नीची जाति को एक करना चाहते हैं। आज इस चीज की हमें बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी हमेशा महात्मा बुद्ध से बहुत इंस्पायर्ड रहे हैं। वो एक बात कहते थे, सदन में भी कहते थे, सब जगह कहते थे कि जगत बनेगा, समाज बनेगा तो व्यक्ति बनेगा, और व्यक्ति में हम अगर ये देखें तो वो इंसान बनेगा, वो पुरुष और महिला नहीं बनेगी। तो हम लोगों को इस सोच को और एम्पावर करना है और आगे लेके जाना है कि किस तरह हम जब एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें महिला को भी उतनी जगह मिलनी चाहिए जितनी पुरुष को मिलती है। मैं अपने पिताजी की पहली संतान हूँ। मैंने एक ऐसे समय में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था जब मेरे पिताजी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे भाई के पास भी वो मौका था। मुझे आगे से ये प्रस्ताव दिया गया था कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, मेरे पिताजी का एक कार्यशैली रही है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया। अब आप ये देखिए, मैं एक बेटी हूँ, अपने पिता की बेटी हूँ, फिर भी मुझे ऐसा मौका मिला, मेरी माँ ने मुझे उस चीज़ का प्रोत्साहन दिया। आज के समाज में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात होती है। पापा ने तो ये तक कह दिया था कि जहर खा लूंगा लेकिन इस बिल को पास नहीं होने दूंगा। वो वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं थे, वो इस चीज के खिलाफ थे कि जो जातियां पिछड़ी हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, क्या उनका योगदान रहेगा भारत के पार्लियामेंट में? अगर इस तरीके का रिजर्वेशन लागू कर दिया जाता तो वही होता कि एक सेक्शन की कुछ महिलाएं या कोई भी लोग आकर वहां पर एक रिप्रेजेंटेशन करते और जो हमारा समाज है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया है, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, जिन्होंने रमाबाई का संरक्षण किया था,
उनकी बातों को कुचल दिया जाता। मैं खुद एक बेटी हूँ। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटी की कीमत वोट जितनी होती है। सही कहते थे, बेटी कीमती चीज़ है और आपका वोट भी उतना कीमती है। आज आप अपने वोट को बेच रहे हैं। हम देख रहे हैं पैसे के बल पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। इतना महंगा चुनाव कर दिया गया है सब जगह कि आम आदमी तो अब चुनाव लड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। तो इन चीजों को बदलने के लिए हम लोगों को परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक परिवर्तन पंडिता रामाबाई लेकर आई थी, उनको सरस्वती कहा जाता था क्योंकि वो ज्ञानी थी, उनके पास ज्ञान था। पंडिता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने संस्कृत में ज्ञान लिया था। संस्कृत में वेद पुराण है। सिर्फ एक समाज ही नहीं संस्कृत पढ़ सकता था, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि कैसे हम सब लोग मिलके, जो वेद पुराणों में लिखा गया है उसमें कभी ऐसा नहीं लिखा गया था कि आप अपने देश में जीने के भी हकदार नहीं रहेंगे। आज हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को अपने संविधान के बारे में सोचना पड़ेगा, वुमेन राइट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी महिलाओं का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, हमारी देश की महिलाओं का भारत में, भारत के इतिहास में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सती सिस्टम, भ्रूण हत्या, कैसे मुद्दे रहे हैं। ये मुद्दे भारत में ही क्यों रहे? ये इसीलिए रहे क्योंकि हम लोग तो हजारों सालों से गुलाम रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अपने उस गुलामी का असर अपने घर में अपनी महिलाओं पर थोपा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज का स्मरण रखें कि किस तरह इतिहास में ऐसी औरतों का एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। हम जैसी पीढ़ी का ये कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है कि हम कैसे इन चीजों को आगे लेकर जाएं और अपने लोगों के बीच में इन बातों को रखें। यहाँ पर बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही नॉलेज रखने वाले वक्ता हैं, उन लोगों को मैं सुनना चाहूँगी। ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इस चीज़ की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।